रांची में पहले से धसा कांची नदी के बामला डी पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। इस बार पुल के 3 स्लैब पानी में गिर गए। शनिवार देर रात पानी के तेज बहाव के कारण पुल के शेष हिस्से भी गिर गए। बता दें कि 31 जुलाई को ही तमार में पड़ने वाला यह पुल धस गया था। पुल का पिलर झुकने की वजह से बीच का 1 स्लैब गिर गया था। पुल धसने के बाद से सोनाहातु तमार का संपर्क कट गया है। पुल धसने की जांच ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल के इंजीनियरों ने की थी। अभियंताओं ने अपने रिपोर्ट में पुल कमजोर होना बताया था, साथ ही पहले से पुल झुका होना बताया था। यह बात भी सामने आई कि पुल में प्रयुक्त होने वाली सामग्री घटिया थी। विभाग ने पहले ही संवेदक को इस पुल का मरम्मत करने को कहा था, लेकिन यह नहीं किया गया। सूत्रों के अनुसार बारिश के बाद पुल मरम्मत कराने की तैयारी थी, उस बीच पुल पूरी तरह से धंस गया। इंजीनियरों ने अपनी रिपोर्ट में संवेदक व तत्कालीन अभियंताओं पर कार्रवाई की भी अनुशंसा की है। बता दें कि 2014 में यह पुल बनकर तैयार हुआ था, महज 5-6 साल में ही पुल धंस गया।